हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपको बहुत सुंदर डिजाइन दिखाऊंगी। ये 3x3 का मल्टीप्लाई किया गया है और हल्की ठंड के लिए जालीदार स्वेटर बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना है। ये कैसे बनाया गया है ये मैं आपको बताऊंगी। डिब्बी की लंबाई आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 8 रो डाली हैं, आप 6 भी डाल सकते हैं और 10 रो भी डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाना है। 3 फंदे हम पहले सिंपल बुनेंगे। 3 फंदे सिंपल बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। फर्स्ट रो आपको इस प्रकार से डालनी है। 3 फंदे सिंपल बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करके इस प्रकार से 3 फंदे दें। एक साथ 3 फंदे लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ बुनेंगे। ऐसे 3 का 1 करेंगे। ये देखिए इससे हमें एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा और सेकंड फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। 3 का 1 किया। अब पीछे धागा नहीं रखेंगे, अब आगे धागा फिर लेकर आएंगे। अब फिर से 3 फंदे सिंपल बुनेंगे। ऐसे 1 2 3। ये देखिए 3 फंदे फिर सिंपल बुने। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक केबल बनती है। 3 फंदे ये और 3 फंदे ये। यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया, यहाँ पर 3 का 1 किया, यहाँ पर फंदा बढ़ाया। अब 3 का 1 करने से हमारा एक फंदा बच गया और 2 फंदे कम हो गए। 2 फंदों में से एक फंदा यहाँ बढ़ गया, एक फंदा यहाँ बढ़ गया, इसके बराबर हो गया। अब फिर से ऐसे ही करेंगे। धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे लेंगे एक साथ। ये देखिए 3 फंदे एक साथ लिए पीछे की तरफ से और इस तरह से 3 का 1 किया। अब इसको गिरा देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर 3 फंदे सिंपल बुनेंगे। 1 2 3। 3 फंदे सिंपल बुने, फिर धागा आगे करेंगे और एक साथ फिर से 3 फंदे लेंगे। 3 फंदों का 1 बनाएंगे और इनको गिरा देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सिंपल बुनेंगे। 3 फंदे सिंपल बुने, फिर धागा आगे किया। पूरी रो को आपको इसी प्रकार कंप्लीट करना है। ये देखिए फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे फिर से सिंपल बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो। सेकंड रो कैसे करेंगे? जो धागा हमने बड़ा ऊपर से डाला है जाली वाला फंदा, इसको हमें बुन लेना है। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से बुनेंगे। ये फंदा यहाँ से बुनेंगे और ये धागा भी यहाँ से बुनेंगे। इससे हमारी जाली भी बन जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। अगर हम इसको गिराते हैं तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। पूरी रो रॉन्ग साइड में इसी प्रकार से बनानी है। बहुत इजी है और बहुत सुंदर लगता है।
ये देखिए। अब आगे इसी प्रकार से आपको बुनना है, थ्री फंदे सिंपल बुनेंगे, धागा अपनी तरफ किया, यहाँ पर एक जाली वाला फंदा ये और एक ये लास्ट वाला, ये थ्री फंदे फिर से ऐसे ही बुनने हैं, एक साथ लेंगे, पीछे की तरफ सिलाई कीजिए और आगे से पीछे की तरफ बुनिए। ये देखिए, इसको गिरा दिया, फिर धागा आगे किया, फिर थ्री फंदे सिंपल बुने, फिर धागा आगे किया और ये थ्री फंदे फिर से इसी प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए, फिर धागा आगे करेंगे, थ्री फंदे सिंपल बुनेंगे, वन टू थ्री, फिर धागा आगे किया और थ्री फंदे एक साथ पीछे की तरफ बुने। आपको डिब्बी अपने हिसाब से बड़ी और छोटी कर सकते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से हमने 8 रो कंप्लीट की हैं। राउंड साइड से पूरी रो उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हमने 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इनको डिब्बी को कैसे चेंज करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ पर हम 2 फंदे एक साथ लेंगे, यहाँ 3 फंदे नहीं लेंगे क्योंकि आगे हमारे जाली नहीं बन सकती, तो यहाँ पर हम पहले 2 फंदे एक साथ लेंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे हम ऐसे ही पीछे की साइड से एक साथ लेंगे, 2 फंदे एक साथ लीजिए, धागा आगे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सिंपल बुनेंगे, ये 3 फंदे सिंपल बुने। 1 फंदा हमने यहाँ पर इसलिए कम किया है कि हमारे यहाँ पर जाली नहीं बन सकती और 1 ही हमें बढ़ाया है, तो आगे चलकर ये बराबर रहेगा। अब यहाँ पर हम 3 फंदे कम करेंगे, आगे 3 फंदे कम करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 फंदा कम किया, यहाँ पर 2 फंदे कम हुए क्योंकि डिब्बी यहाँ पर दोनों साइड से बढ़ सकती है। आगे धागा किया और 3 फंदे का सीधा बुना, 3 फिर धागा आगे किया, फिर 3 का 1 किया। ये देखिए, 3 फंदे के 1 किया, फिर धागा आगे करके 3 फंदे सिंपल बुनेंगे, फिर धागा आगे किया, यहाँ पर 3 फंदों का 1 करेंगे। और जैसे अभी हमने फर्स्ट रो डाली है, ये नीचे ये डिब्बी बनाई है, उसी प्रकार से ऊपर बनकर चलती रहेंगी और डिब्बी पर डिब्बी इसी प्रकार से आप बनाते रहें। देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनकर आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।